हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ द टेक्निकल यूट्यूब चैनल। गाइस, इस चैनल पे वीडियोस लेट आ रही है क्योंकि देखो मैं आपको वीडियोस वो दे रहा हूँ जो कि आपको डेली लाइफ में आपके काम आए, सस्ते पड़े। अगर आप वो चीज़ मार्केट से परचेज कर रहे हो तो जो हम चीज़ बना रहे हैं वो मार्केट के दाम से 50 गुना कम दाम में बने और आपको यूजफुल हो और आप बहुत ही सारी बना सकते। मैं वो चीज़ बना दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सामान की थोड़ी कमी है, इसलिए तो मैं रेगुलर वीडियो डालूँ। और अगर आप रेगुलर ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग वाले चैनल को। और पीछे जो आप सेटअप देख सकते हो मेरा, तो मैंने हाल ही में सेटअप बनाया और ये सभी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर बना के दिखाई है जो चीज़ सेटअप पर यूज़ किया ना मैंने। तो अगर आपको सेटअप के बारे में वीडियो देखी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं वैसे भी बना ही दूँगा वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ एक इंडिकेटर जो कि आप बाइक में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी बचता है कि वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, आपको हर एक नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो ब्लॉग वाले चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पर मैं जो है दे देता हूँ, वहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि मैं इस टाइप की इस प्रोजेक्ट पर वीडियो डाल रहा हूँ और वहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। और साथ में ऐसे ही मैं वहाँ पे रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो चलिए अभी वर्क स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट में हम इसकी बॉडी बनाने के लिए, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा है और बहुत ही ऐसा मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी करेगा। आप बस वीडियो में बने रहें तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से बनाया और ये अच्छा वर्क करेगा भाई। तो इस टाइप से मैंने कुछ पीवीसी पाइप के पीसेस ले लिया, आई होप कि आपको दिख रहे होंगे किस तरह से। तो मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया। तो एक पीस सियरा, इसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और दो ये है सेम साइज़ के 7 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दो दो पीसेस है, ठीक है। तो अभी इन्हें हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हम ये वाला पीस, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक एलईडी स्ट्रिप लाइट जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ये मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी और जितनी आप लोगे आपको उस हिसाब से पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें बस थोड़ी सी लेनी है, ये 12 वोल्ट के आप 4 वोल्ट के भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एक तो हमें पीस काटना होगा करीब इतना, हम काट लेते हैं कि फिर इतने हम दो पीसेस काट के देखते हैं कि दो आएंगे कि नहीं। सबसे पहले मैं एक काट लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है इसे दो पीसेस कट कर लिए यहाँ पे इक्वल साइज़ के। और इसे किस टाइप से कट करना होता है, अगर आप यहाँ पे आगे पीसेस कट करोगे तो वर्क नहीं पर करेगी, पूरी ख़राब हो जाएगी। जैसा आप देख सकते हो इन दो जो यहाँ पे है इन दो लाइट के बीच में एक सीजर बनी हुई, एक लाइन बनी है, आपको यहीं से काटना है। अगर आप यहाँ से काट दोगे, कहीं से भी काट दोगे तो ये ख़राब हो जाएगी इतनी इतनी। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना कि आपको कहाँ से काटनी है और अच्छे मतलब ध्यान से काटना इसे ताकि ये ख़राब ना हो। तभी हम इसे साइड में रखते हैं बाकी की लाइट को। तो इसे लेते हैं, तो इसे मैंने कुछ इतना इतना काट लिया और दो पीसेस मैंने लिया। तो इनके सबसे पहले को हम इसे चिपका लेते हैं। तो चिपकाने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं सुपर ग्लू का। तो लगाते हैं, सबसे पहले इसे चिपका लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे चिपक चुका है और अभी हमें इसका करने हैं पैलेट कनेक्शंस। तो उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। और इसे कनेक्शन करने के लिए भी ध्यान में रखना होता है कि जो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट है, इस पर सबसे पहले हमें स्क्रैच करना था किसी नुकेली चीज़ से, उसके बाद इसके ऊपर कनेक्शन हो पाते हैं। तो अभी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ सबसे पहले इसके, फिर आपको दिखाता हूँ। There's nobody else.
अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो है इसका कनेक्शन जो है वो कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे देख सकते हो इसका यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, ये देख रहे हो यहाँ से इसका पॉजिटिव आ रहा है, ये जो है ये इसका पॉजिटिव है और यहाँ से इसका पॉजिटिव आ रहा है, ये रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट और यहाँ से इसका पॉजिटिव आ रहा है और ये रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया। ये आ रहा है यहाँ से इसका नेगेटिव जो कि मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ पॉजिटिव को एक साथ मैंने कनेक्शन कर दिया, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव में रेड वायर जो कि मेरे से गलती हो गया। चलो कोई नहीं, तो हम जो है इसका भी बाकी का बॉडी बना देते हैं, साइड के पीसेस को लगा देते हैं, तो इसे लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे इसकी बॉडी भी रेडी हो चुकी है और ये रेडी हो चुका है, चाहो तो आप यहाँ पे और यहाँ पे कुछ पीस लगा सकते हो और इसके ऊपर कोई शीशा वगैरह लगा सकते हो, कोई ट्रांसपेरेंट पेपर लगा सकते हो जिससे ऊपर से भी मतलब ये जिससे और भी अच्छा लगे। तो अभी टाइम है इसकी टेस्टिंग का, तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसे हम 12 वोल्ट देंगे। तो गाइस यहाँ पे इन वायर्स में आ रही है 12 वोल्ट की सप्लाई, आपको दिखा देता हूँ टेस्ट करके। अप्रोक्स 11.75 वोल्ट आ रही है इसमें, जो कि जिससे कि ये वर्क कर जाएगा हमारा, ये जो हमने बनाया इंडिकेटर जो कि हम बाइक के लिए बना रहे हैं, बना लिया है हमने। तो आप ये देखो ये वर्क करने लग पड़ा है, तो देखो भाई बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। और ये अगर आप अपनी बाइक में लगा दोगे, तो अगर आप इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट शीट वगैरह लगा देते हो। सो गाइस अभी आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हो बहुत अच्छी है, मैंने अपनी रूम की थोड़ी जो लाइट्स है वो मैंने बंद कर दी हैं, तो आप इसकी ब्राइटनेस बस जो रिंग लाइट लगाई है मैंने जो खुद बनाई थी वही लगाई हुई है, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। ये जो है अगर ये फिल्म शीट यहाँ पे आप इसकी जगह कोई और ट्रांसपेरेंट कोई पेपर का यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट टेप होती है ना जो उसका यूज़ कर सकते हो, तो इससे जो है इफेक्ट जो है बहुत मतलब इससे जो है थोड़ी कम हो जाती है लाइट। पर आप यहाँ पे अगर आप टेप का यूज़ करोगे जो ट्रांसपेरेंट टेप आती है ना वाइट कलर की उसका यूज़ करोगे तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो उससे इसकी ब्राइटनेस भी नहीं रुकेगी और ये ऊपर से क्लोज हो जाएगा, ताकि अगर आप इसे बाइक में लगाते हो अगर आप कहीं बारिश वगैरह में आपकी बाइक खड़ी हो तो ये मतलब फुल्ली वाटर प्रूफ हो जाएगा। तो देख सकते हो भाई इसकी बहुत अच्छी ब्राइटनेस है, तो लगाता हूँ। और अभी इसको आप अपनी बाइक में किस टाइप से लगा सकते हो वो आप खुद ही जुगाड़ कर लेना, क्योंकि मैंने तो आपको इतना इतना बता दिया कि आप किस टाइप से बना सकते हो और आप मानोगे नहीं ये कितने में बना। ये ऑनली ऑन इसमें ये जो स्ट्रिप है ना स्ट्रिप ये आपको बहुत सारी मिलेगी, आई थिंक 1 मीटर 100 रुपये के हिसाब से मिलती है, मेरे को पता नहीं कितने की मिलती है, मेरे पास पड़ी हुई थी ये। आप मजे से आप 20 रुपये के अंदर बन जाएगा, 20 से 30 रुपये के अंदर बन जाएगा इंडिकेटर। और ये लगाया हुआ बाइक के पीछे बहुत अच्छा लगता है, हमारे पास कोई बाइक नहीं है, मेरे पास कोई बाइक नहीं है जिससे मैं आपको लगा के, आप खुद भी कोई जुगाड़ लगा सकते हो लाइक यहाँ पे कोई पाइप लगा के, तो जो बाइक में पीछे इंडिकेटर का जो तो होता है वहाँ पे आप लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस पर कोई पेंट भी कर सकते हो, तो ये जो है अगर आप इसे कोई कहीं भी लगाते हो अगर आप जाते हो तो ऐसे लगेगा खुद बनाया मार्केट से परचेज किया हुआ लगेगा, और इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है, तो आप बना सकते हो। अगर आपकी बाइक का इंडिकेटर टूट चुका है ख़राब हो चुका है तो आप इस टाइप से बना के लगा सकते हो, जो कि 40 रुपये के अंदर बन जाएगा, तो जो कि आई थिंक 150 से 250 रुपये के अंदर मिलता है जो मार्केट में आता है इंडिकेटर। तो यही था आज की वीडियो में। तो गाइस आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय ब्लॉग बनाता हूँ डेली तो इसलिए ब्लॉग बोलने की आदत पड़ गई है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो भाई टाइम में छोटा देख सकते हो, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपकी बाइक के पीछे, 12 वोल्ट पे वर्क करता है। और आप इसे एक और जगह यूज़ कर सकते हो, अपने साइकिल के पीछे भी लगा सकते हो, तो अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिक साइकिल है फिर आप अपनी साइकिल को इलेक्ट्रिक बना सकते हो, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और सेटअप जो है सेटअप जिस टाइप से मैंने बनाया आप भी इस टाइप से अपने वीडियोज़ के लिए सेटअप बना सकते हो, तो उसकी वीडियो जल्दी ही जल्द आएगी। वीडियो अगर लाइक कर दो और दूसरे चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। अभी इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं इंस्टा पेज का जो है डाल दूंगा कि मैं ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाया मैंने, तो इस टाइप से मैं पहले ही नोटिफिकेशन दे देता हूँ इंस्टा पे, कोई भी चीज़ डालता हूँ बनाता हूँ। तो ये जो है ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना,
और इंस्टाग्राम अकाउंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।